Welcome to Ranjit Kumar Saha YouTube channel Champ Cash Achiever. हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आज का जो विषय है वो है पेटीएम की बारे में, पेटीएम ऐप रिव्यूज़। तो पेटीएम एप्लीकेशन क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल लेता हूँ आपको। पेटीएम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जहाँ आप किसी थर्ड पार्टी पे लोगों को आप पैसे भेज सकते हो, बैंक में पैसे भेज सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो, बिजली का पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी टाइम में। तो ये जो पेटीएम है बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, आप घरेलू काम में ट्रांजैक्शन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो पेटीएम को इंस्टॉल कीजिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाके। तो चलिए, गूगल प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है पेटीएम। गूगल प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है पेटीएम, पेटीएम सर्च करने के बाद ही यहाँ पर आपका फर्स्ट में आ जाएंगे। आप लोगो देख सकते हैं, 4.4 का रेटिंग है यहाँ पर एंड ऑलरेडी 50 मिलियन डाउनलोड हो चुका है, 5 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। हालांकि ऑलरेडी 10 करोड़ प्लस हो चुका है एंड अभी इसको हम आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसको अभी ओपन करते हैं हम लोग। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी फ़ोन नंबर, अपनी जीमेल एड्रेस, मेल एड्रेस से आपको साइन अप करना होगा। ओके, तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, तो चलिए मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा वीडियोस को पूछ। सो गाइज, मैंने पेटीएम को लॉगिन कर चुका हूँ मैं। आप अपने हिसाब से साइन अप कर लीजिए, फ़ोन पर एक OTP आ जाएगा एंड ईमेल एड्रेस को वहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेंगे। प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस सब कुछ दिखाई देगा, जिस नेम से, जिस ईमेल एड्रेस से आपने साइन अप किया है। ओके, यहाँ पर होम बटन है, होम बटन से ऊपर में देखिए क्या क्या है। पे है, एड मनी है, पासबुक है, एक्सेप्ट पेमेंट है, यानी कि आप पे में क्या है, पे में किसी को आप अगर पेमेंट भेजना चाहते हो सो यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर डालिए, कैमरा को ओपन कीजिए, चाहे वो QR कोड हो आपके पास उसके, तो QR कोड स्कैन करके भी उसको आप पेमेंट दे सकते हो, या फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने से के बाद ही हो जाएगा, ये आपको मैं सिखा भी दूंगा इस वीडियोज़ में। एड मनी, एड मनी में क्या होगा, एड मनी में मान लीजिए आप यहाँ पर 500 रुपीज़ ऐड करना चाहते हैं अपनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ATM कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से, तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक कार्ड मैंने ऐड करके रखा है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से भी आप अपना पैसे बैंक में से पेटीएम में ऐड करके रख सकते हो। तो वहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन दिखा दिया, उसके बाद आता है पासबुक। पासबुक यानी कि बैंक में जिस तरह का हम लोगों का पासबुक होता है, उसी तरह पेटीएम का भी एक फीचर है पासबुक। इसमें आपको पूरी ट्रांजैक्शन, रिसीव, सेंड रिसीव, सब ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। एक्सेप्ट पेमेंट, जो कि पहले बोला था कि यहाँ पर आपका QR कोड है, इस QR कोड को आप किसी को शेयर करके पेमेंट ले सकते हो। नियर बाई में मतलब आपकी पेटीएम के कोई स्टोर है या फिर डीलरशिप है, एजेंट है, तो उसका भी नियर बाई क्लिक करके देख सकते हो। हालांकि ये पिन कोड के ऊपर डिपेंडिंग करता है। नीचे में देखिए, मोबाइल रिचार्ज, पोस्ट पेड बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, DTH, मतलब ये सारे काम आप कर सकते हो। सबसे अच्छा जो तरीका है वो है मोबाइल रिचार्ज। आजकल के ज़माने में मोबाइल रिचार्ज से लगभग सबका ही लगता है। DISH TV तो इस साल में सभी का लागू हो चुका है, तो आप यहां से आप DISH TV का भी पेमेंट कर सकते हो। मूवीज़ टिकट, बस टिकट, फ्लाइट बुकिंग सब कुछ कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको यहां से कुछ सामान ख़रीदना है, चाहे वो फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, घड़ी, चिप्स, कुछ भी हो, तो यहां से आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हो एंड यहाँ से आपको कमीशन भी अच्छा मिलता है। कमीशन मतलब मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वॉच ख़रीदना चाहता हूँ,
हालांकि ये बहुत कीमती वॉच है, 15,364 का, लेकिन आप WRC20 करें या फिर WTR20 अगर लगाते हो प्रोमो कोड में, तो आपको 20% कैशबैक मिलेंगे पेटीएम के अंदर। ऐसे करके बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी के ऊपर कैशबैक मिलते हैं। आप गूगल में सर्च करके भी कैशबैक चेक कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट पर। आप सिंपली लिख सकते हो पेटीएम न्यू प्रोमो कोड करके, आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है पेटीएम का सभी फीचर्स की कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे फर्स्ट में है मोबाइल प्रीपेड यानी कि रिचार्ज करने के लिए, यहाँ पर सिंपली अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। मान लीजिए एक फ़ोन नंबर मैं टाइप करता हूँ, इस फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे और नया नंबर जितना अभी रिचार्ज करना है आपको डाल दीजिए। डालने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए, रिचार्ज पर रिचार्ज हो जाएगा आपका। सबसे महत्वपूर्ण है, आप किसी को पेमेंट भेजना चाहते हो, किसी थर्ड पार्टी को, या फिर बैंक में पेमेंट भेजना चाहते हो, बैंक में पैसा भेजना चाहते हो, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप कर सकते हो जस्ट 2 सेकंड में या फिर 2 मिनट में। जैसे कि मैं एक फ्रेंड को पैसा भेजना चाहता हूँ, तो पे पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस या फिर उसका क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, जो भी आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो यहाँ पर अपना उसका जो नंबर है मैं वहाँ डाल देता हूँ, 9091। यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके उसका कॉन्टैक्ट्स भी से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अपना अमाउंट दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ सेंड कर देता हूँ, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ रंजीत TCC पेमेंट। ओके, इस तरह से आप भेज सकते हो। प्रोसीड बटन पर क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए, चेक कर लीजिए सबसे पहले नंबर, नंबर को चेक करने के बाद ही सेंड बटन पर क्लिक करते हैं, ये सेंड हो जाएगा। तो ये सिर्फ सेकंड में, 2 सेकंड में ही आ जाता है आपकी। देखिए आ गया है मेरे मोबाइल पर, हालांकि ये दोनों नंबर ही मेरा है। अब जो फीचर्स हम बात करेंगे वो है, आप पेटीएम की अकाउंट में से किस तरह से आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी रकम। मान लीजिए रातों रात आपको किसी फ्रेंड को पेमेंट भेजना है, या फिर आपका फंस गया हो तो बैंक में पैसा भेजना है, तो वो किस तरह से करेंगे तो आज मैं दिखाता हूँ। तो यह है फुल एप्लीकेशन, यहाँ पर सब कुछ फीचर्स फिर से यहाँ पर है नैनो टैप की तरह। अब देखिए पासबुक कर ऊपर क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेंड मनी टू बैंक एंड ऐड मनी टू वॉलेट। मतलब फर्स्ट में जो बोल रहा है ये है, आप चाहे तो अपनी रकम जो कि मेरे यहाँ पर है 2,055 रुपया, इसको हम अभी बैंक में भेज सकते हैं। एंड यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके 2,000 की, मतलब ऐड मनी पर क्लिक करेंगे मतलब आपको, मतलब 500 रुपीज़ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अब सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक करते हैं, ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड नंबर, अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन डाल के अगर आप चाहें तो अपनी 2,050 या फिर आपकी जितने भी रकम होते हैं चाहे पेटीएम में, उसको आप बैंक में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं एक नंबर डाल देता हूँ जो कि मेरा ही नंबर है। मैं अभी 2,000 रुपये सेंड करना चाहता हूँ। देखिए फीस यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा पेटीएम में, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए अब इसको हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देन सेंड कर देते हैं। जैसे ही सेंड करेंगे आपको एक कंफर्मेशन SMS मिल जाएंगे। सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं इसको 1,900 रुपये सेंड कर देता हूँ, देन प्रोसीड बटन पर। एंड पेटीएम में जो बैंक में पैसा पठाने का चार्ज है वो आपको हर टाइम लगता है टर्म एंड कंडीशन के रिगार्डिंग, कभी किसी भी टाइम लगता है किसी भी टाइम नहीं लगता है।
जैसे कि मैंने पिछली बार जब पेटीएम में ट्रांसफ़र किया था तब चार्ज लगा था, लेकिन मैंने 2 महीना पहले किया था लेकिन चार्ज नहीं लगा था। आप कंफर्म पर क्लिक करते ही आपका जो पैसा है वो एक्सेप्टेड हो गया है एंड 2 मिनट के अंदर आपकी बैंक में आ जाएंगे। तो आपको भी वो प्रूफ दिखा दूंगा, आप एसएमएस की इनबॉक्स चेक करके देख सकते हो पेटीएम का अगर एसएमएस आ जाता है। देखिए मतलब रिक्वेस्ट ले लिया है पेटीएम ने कि आपका जो पैसा है वो 1900 रुपये बैंक में चला जाएगा। कुछ देर में रेफरेंस नंबर भी दे दिया है एंड ये तो हो गया बैंक में किस तरह से पैसा भेजना है। और मैंने तो फर्स्ट ही बोल दिया है कि किस तरह से आपकी फ्रेंड को पैसा भेजना है। पैसा भेजने के लिए आपकी फ्रेंड की पेटीएम वाला नंबर लीजिए एंड पे पर क्लिक कीजिए, उसका नाम पर डालिए, उसको पेमेंट चला जाएगा जितना भी आप भेज सकते हो। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड बहुत सारे लोगों को पता भी है कि किस तरह से पेमेंट में काम किया जाता है। तो अगर आप वेरीफाइड अकाउंट करना चाहते हो पेटीएम का, तो पेटीएम का एक रूल्स है कि अभी जो रूल्स है आप महीनों में नॉन वेरीफाइड अकाउंट में 20,000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन आपका अगर केवाईसी अप्रूव कर लेता है आप प्रोफाइल में जाके कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अपडेट पैन कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करके आप केवाईसी को अप्रूव कर सकते हो, तब आप महीनों में 1 लाख रुपीस की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ओके तो ये रहा फुल फीचर्स पेटीएम का, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है एंड इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंडिया में कहीं भी पेमेंट भेज सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच, मतलब डिजिटल एप्लीकेशन है एक प्रकार का। ओके सो आपको बैंक में पैसा आया कि नहीं वो भी दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने 12:35 पर रात की बैंक में पैसे भेजे थे एंड 12:45 में पैसे यानी कि 10 मिनट में पैसे मेरे अकाउंट में बैंक अकाउंट में आ चुका है। आप देख सकते हो मेरे टोटल बैलेंस एंड ये सिर्फ 10 मिनट में रात को भेज देता है, यानी कि अब सुबह में भेजेंगे या फिर दिन में भेजेंगे तो आपकी हो सके तो एक एक 2.5 मिनट में ही आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे लगेंगे एंड आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे अगर आप पेटीएम में पैसा रखना चाहते हो या फिर पेटीएम के माध्यम से अपनी फ्रेंड को पैसा भेजना चाहते हो। सो फ्रेंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे रंजीत कुमार सा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके रेड कलर का बटन क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक घंटी दबाना मत भूलना क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ अगेन।